वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप। मैं हूँ आपकी टीचर सृष्टि और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर कूलम लॉ। ये फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 12 का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना कुछ चीज़ें मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताना चाहूँगी जिसके अंदर ये चैप्टर आता है, जानना उस बारे में भी ज़रूरी हो जाता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम डिफाइन देखें ना, इलेक्ट्रो स्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इजीली आप समझ सकते हो इलेक्ट्रो इज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एट रेस्ट विद यूज द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर हो गया इतना आपको? चलिए तो इसके बारे में हम कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ेंगे, जैसे मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक है, आई एम शोइंग कि मैं आपको एक्स्ट्रा बुक से भी मार्क करा सकूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये एक्स्ट्रा बुक मेरे पास मॉडर्न की है, आप चाहो तो ये बुक खरीद सकते हो। इसमें बहुत अच्छे से चैप्टर गिवन है और आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती है। तो अगर आप ले सको तो ये बुक बाय कर लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी इस बुक से मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की या पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं थोड़ा पहले चैप्टर के बारे में कुछ बता रही हूँ फिर शुरू करेंगे जो मेन कंसेप्ट, ध्यान से समझना। हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एक एटम पे कैसे आता है पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, दीज आर टू एटम्स, लेट इट बी एटम ए, लेट इट बी एटम बी। एटम ए हैज 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। एटम बी हैज 20 प्रोटॉन एंड 20 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नाउ सी व्हाट हैपेंस दैट ए गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बी, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दिया। पहले सबसे पहले इसको समझने से पहले ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्जेस कौन से। सो इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, ओके। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इन ए न्यूट्रल एटम मीन्स दैट डजेंट हैव एनी चार्ज, न्यूट्रल मीन्स डोंट नॉट हैव न्यूट्रल मीन्स डजेंट हैव एनी चार्ज। सो इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। टू नो व्हाट विल बी द चार्ज आफ्टरवर्ड यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको जानना है कि चार्ज कैसे आता है पहले आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उसकी कंडीशन क्या होती है। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया तो अगला कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाए, ओके। ठीक है, अगला कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब मैं आपके लिए ये सब रेज कर देती हूँ, अगर हो सके तो नोट डाउन कर लेना, रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट खींच लेना, मैंने डब कर दिया इसलिए। मुझे जल्दी जल्दी आगे करवाना था।
नाउ व्हाट यू सी, वन इलेक्ट्रॉन इज गिवन फ्रॉम दिस. पहले हम ए की कंडीशन लिखते हैं. फॉर ए दिस इज द अर्लियर, पहले अर्ली की बात करेंगे. फॉर ए एंड अर्ली की बात करेंगे. फॉर बी, बी का इधर, ए का इधर. पहले ए के पास देखो, 10 प्रोटॉन ठीक है इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव चार्ज थे इसके पास. 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 नेगेटिव चार्ज थे इसके पास. अब हम बात करेंगे बी की. फॉर बी देयर वर 20 प्रोटॉन, सॉरी देयर आर 20, सॉरी सो फॉर बी देयर आर 20 प्रोटॉन मींस 20 पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज 20 इलेक्ट्रॉन मींस 20 नेगेटिव चार्ज. ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्लियर है? ध्यान से देखना. अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन गया इधर. अगर अब इधर से इधर किया तो ए के लिए क्या होगा, नाउ फॉर ए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, पहले 10 माइनस थे, अब उसमें से माइनस कितने हो गए, 1 माइनस, या फिर हम माइनस ना लिखें तो सिंपल यारों को 10 माइनस माइनस साइन तो हम देख लेंगे. 10 में से 1 गए तो 9 माइनस साइन आए, क्लियर है? ठीक है, 9 माइनस बच गए. लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है. प्रोटॉन आर स्टिल हाउ मैनी, 10, 10 पी स्टिल देयर. सो इफ आई सी इट क्लियरली यू कैन सी दैट. अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को ऐसे जो ऊपर वाले लिखे हैं उसको, 10 पी ठीक है 9 ई. 10 पी को मैं लिख लेती हूँ, मान लो. लिखना क्यों है समझ लो, कि पहले तो 9 से 9 क्या हो जाएंगे, 9 से 9 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज ठीक है. 9 प्रोटॉन तो होंगे, प्रोटॉन को हम 9p प्लस 1p भी तो लिख सकते हैं, प्लस 9e प्लस क्यों, माइनस 9 ही होता साइन के वे में लिखो तो ये कट गए. क्या बचा, प्लस 1p. मीन्स इस केस में जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस केस में प्लस 1 वुड बी दी चार्ज. अब हम ले लेते हैं ना दूसरे के बारे में, बी के केस में ठीक है. अब फॉर बी नाउ व्हाट हैड हैपेंड, ई इज इक्वल टू 20e प्लस 1e, 21e विल बी देयर. प्रोटॉन आर सिमिलर, दे विल बी 20p. इसको लिखे तो हम लिखेंगे 20e 21e प्लस 20p, यही होगा. हम माइनस 21e को मैं लिख सकती हूँ 20 माइनस 20 माइनस 1, सॉरी माइनस 20 माइनस 1 क्योंकि वो प्लस 1 ही हो गया. माइनस माइनस प्लस, इतनी मैथमेटिक्स आती होनी चाहिए. प्लस 20, ये P है, ये E है और ये B, ये कट गए, माइनस 1. तो इस केस में क्या चार्ज होगा, माइनस 1. सो चार्ज ऑन the one that gives the electron is positive, the charge on the one that takes the electron is negative. Now charge on a proton is
charge on a proton is equal to charge की value कितनी होती है प्रोटोन है तो प्लस 1.6 इंटू 10 इज टू माइनस 19 एंड नाउ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 इज टू माइनस 19 नाउ इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम Donated by C. We write the charge as Q, small q. Clear what? ठीक है. You must know that like charges. Repel unlike charges attract ना के चल अब पता चल के दो टाइप के चार्जेस फाउंड होते हैं नेचर में वन इज द पॉजिटिव एंड द अदर वन विल बी द नेगेटिव चार्ज सो जो मैंने आपको बताया अट्रैक्शन और रिपल्शन को इसको हम कहते हैं पता नहीं क्या होगा ये पोलैरिटी ठीक है अब इसका एक एग्जांपल हो अट्रैक्शन और रिपल्शन का ध्यान से देखना आई टेक अ नाउ बिग शाउट आउट टू द एडुफाइन फॉर एजुकेशन इनकी वीडियो बहुत अच्छी है इस चार्जेस के ऊपर जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी ध्यान से देखना There are two type of current charges, positive and negative charges. Okay. So when we rub a glass rod with a silk cloth, see what happens? It acquires positive charge. So glass rod acquires a positive charge means silk has negative charge. Acquires an equal amount of negative charge. Clear? Opposite and equal charge. Secondly, if an ebonite rod is rubbed with fur, ebonite rod को fur से किया. It becomes negatively charged. Ebonite rod negative versus fur. Fur acquires equal amount of positive charge. बाहर देखो. Silk को cloth से किया. First of all, if a glass rod is rubbed with a silk cloth. Glass rod को silk It acquires positive charge. Wait, let me show you. So, let me make it a little bit smaller in size. So, when glass rod is rubbed with silk ठीक है glass rod which charge it has positive charge if I talk about silk cloth it has negative charge Now when ebonite rod rubbed with fur now charge on first of all we are going to rub ebonite rod is negative charge on fur is Positive. See. While the silk cloth acquires an equal amount of negative charge. Secondly, if an ebonite rod is rubbed with fur, it becomes negatively charged.
while the fur acquires equal amount of positive charge. This classification of positive and negative charges were termed by American scientist Benjamin Franklin. Who did it? Benjamin Franklin. Clear? Clear about this match? Important है कौन सा charge करता है, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर हम ग्लास रोड और सिल्क को रब करें तो आप मुझे बता सकते हो क्या होगा? रिपल्शन और अट्रैक्शन। सो नाउ रबिंग इट ग्लास रोड विथ सिल्क, क्या होगा यहाँ पे? रिपल्शन और अट्रैक्शन। Fast. Comment down. When glass rod is rubbed with the silk, it is, as you know, glass rod acquires positive charge, silk acquires negative charge. These both charges are opposite to each other, so this charge will basically attract each other. As you know that unlike charges attract each other. Now if I take ebony rod and fur, what would happen in this case? Ebony rod is negative charge, fur is positive charge. When rubbed, they will attract again. But now what happens? See, now what happened? See, if I rub glass rod with fur, as you know, glass rod is positive charge, fur is positive charge, they will repel each other. As like charges repel each other. Now if glass rod rubbed with silk is rubbed near another glass rod rubbed with silk. To understand this, एक खाली भेज लेते हैं और जिसको इसका आंसर आ गया वो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। जल्दी कमेंट कर, अगर कमेंट में आपका आंसर ठीक हुआ तो आपको अभी अभी कुछ गिफ्ट मिलेगा। देखना भी क्या मिलता है, ध्यान से देखो। क्लास रोड पहले क्या बोला हमने इस केस में, ध्यान से सुनिए। वी सेड दैट क्लास रोड is rubbed with silk. इसको मैं ब्रेक डाउन करके समझाऊंगी। ग्लास रोड इन दिस केस एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में तो क्या हो गई? रिपल्शन, सॉरी अट्रैक्शन, है ना। नाउ this glass rod is rubbed near to another glass rod rubbed with silk. अब देखो ये glass rod भी क्या होगी? positive। ये glass rod क्या थी? positive। ये वाली glass rod भी क्या? positive। So both of them will repel each other. इस वे में कन्फ्यूजिंग वे में भी आ सकता है, जिसका आंसर सही था उसको गिफ्ट मिलना था और वो गिफ्ट आ फॉर यू। दिस इज ब्यूटिफुल फ्लावर फॉलविंग सीन।
because you are like following flower who are spreading their fragrance. So all my students are like that. और अगर आपका आंसर ठीक है, congratulations, well done, आपको concept clarity हो रही है और यही मैं चाहती थी, ठीक है. अब इसी केस में एक बात सोचना. Now if ebonite rod rubbed with fur is sprout near glass rod. Easy है ना, बहुत easy. इसका आंसर कमेंट में लिखो, आपका आंसर चेक होकर अगर आपको लाइक मिलेगी इस पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर तो मतलब आपका आंसर सही है, और अगर नहीं है तो आपका आंसर गलत है. गलत क्यों है वो मैं कमेंट में आपको लिख दूँगी, समझा दूँगी बेसिकली. नाउ एक वर्ड याद रखना, एम्बर. एम्बर इज अ वुड लाइक सब्सटेंस. सो द चार्ज डेवलप्ड ऑन एम्बर इज नोन एज रेसिनस, ये याद रखना. एंड चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास इज कॉल्ड एज Vitreous. These were ancient beliefs. These were basically historical beliefs. But this was given by Benjamin Franklin. But in actual, what happens that a church developed on ebonite rod is vitreous, and charge develop on glass road is resinous. Clear about this? Hope so. ठीक है ना. So basically what the Benjamin did, he named vitreous as जिस पे है क्लास रोड पे पॉजिटिव, एंड एम्बर जो कि एबोनाइट रोड की तरह ही होती है एज नेगेटिव. क्लियर है? होप सो क्लियर. ओके, अब इस डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, जो पहले भी बताया, पोलैरिटी. ठीक है, इतना बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जो अभी अभी मैंने अभी तक समझाया है. आगे मैं सोच रही हूँ आगे कराऊँ कि नहीं, मैं करा ही देती हूँ. सो दिस इज सम लिस्ट दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विच एक्वायर रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट द ग्लास रोड ऑलवेज एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लोथ ऑलवेज एक्वायर नेगेटिव चार्ज. Fur of cat skin always require positive charge. Ebonite rod always require negative charge. आप अगर ऐसे ऐसे पेयर में याद करोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सा किसके साथ मोस्ट कॉमनली रब्ड किया जाता है. वुलन क्लोथ जो है वो तीनों में लिखे हैं, मतलब वुलन क्लोथ अगर आपको आए तो उसको आप एम्बर से भी कर सकते हैं, रबर शू से भी कर सकते हैं, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं. वुलन क्लोथ ऑलवेज एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड प्लास्टिक, एम्बर एंड रबर शूज एक्वायर नेगेटिव चार्जेस. क्लियर टू यू? आगे मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, समझा दिए मैंने आपको. आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पता ही होगा, ठीक है ना, वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये देखो, ये होता है न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस,
सो न्यूक्लियस कंटेन, इधर ही समझा रही हूँ, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन. आउटसाइड लेट मी ड्रॉ लाइक दिस. दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटोन हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन. ठीक है, सो द फोर्स बिटवीन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, विच फोर्स, इट इज नोन एज न्यूक्लिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स. सो फोर्स इधर लिख लूँ, फोर्स बिटवीन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन क्या होती है, व्हाट वी से एज इलेक्ट्रिक, सॉरी फॉर दिस, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स. क्लियर? चार्ज कितना होता है बता दिया, प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, ये भी बता दिया आपको. ठीक है, क्लियर हो गया इतना. तो वेल एंड गुड, अगली बार हम करेंगे ओरिजिन ऑफ चार्जेस. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन में, फ्रिक्शन में, इंडक्शन में, कंडक्शन में, ऑल ऑफ देम. आज के लिए बस इतना ही.